अबे साला कौन इतना जोर से घंटी बजा के गया है? अरे ये क्या चीज है, ये तो आसूस का तफ F15 गेमिंग लैपटॉप है। आप लोग देख सकते हो ये हमारा आसूस तफ का बॉक्स आया, किसी ने दरवाजे पे रख के चला गया, कोई दरवाजे पे रख के भाग गया। चलो अनबॉक्स करते हैं। ये रहा हमारा आसूस तफ लैपटॉप, इसको साइड में रखते हैं, और यहाँ पे ये इसका डेट ऑफ बर्थ है, बर्थ सर्टिफिकेट है, ये सब हमको ज़रूरत नहीं है, ये सब हमारा कोई काम का नहीं है, ये सब घटिया से है, ये सब नूब लोगों के लिए, हम तो बाप हैं, हमको सब आता है। और यहाँ पे है इसका एडाप्टर, अरे 180 वोल्ट का एडाप्टर है। और इस साइड यहाँ पे ये वाला कुछ केबल है, यहाँ पे एडाप्टर के ऊपर लगता है। चलो और बॉक्स में कुछ भी नहीं है शायद, देखते हैं, रुक जाओ। हाँ बॉक्स पूरा खाली है और बॉक्स में कुछ भी नहीं है। चलो बॉक्स को साइड में रख देते हैं। चलो अभी हम मेन मूर्ति पर आते हैं। तो अभी ये देख सकते हो, ये वायर इस साइड में इधर पे लग जाता है, जो मैं लगा के दिखाता हूँ। एक हाथ से कैमरा पकड़ रहे हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है, पर कोई बात नहीं, हम ये देखो ऐसे लग जाता है, ये रख देते हैं। और ये हमारा लैपटॉप निकाल लेता हूँ मैं। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो ऑलराइट, ये रहा हमारा आसूस तफ F15। एक हाथ से तो नहीं खुलता, कैमरा पकड़ के खोल रहा हूँ ना तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो चलो ये रहा हमारा लैपटॉप। चलो बूट करते हैं, कितना टाइम लगता है देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 seconds में खुल गया। अभी एंटर मारते हैं। पासपोर्ट आप लोगों को मैं नहीं बोलूँगा, पासपोर्ट। तो ये देखो हमारा लैपटॉप खुल चुका है। इसका स्पेक्स आप सबको बता देता हूँ मैं, रिफ्रेश कर लेते, रुक जाओ। इसका स्पेक्स मैं आप लोगों को बता दूंगा और उसके बाद गेमिंग टेस्ट भी देंगे। डिस पीसी में जाना पड़ेगा ना, प्रॉपर्टीज। चलो मैं स्पेक्स बता देता हूँ। ये देख सकते हो आप लोग स्पेक्स, i5 11th gen है, उसके बाद 16 GB रैम है और ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब कुछ विंडोज 11 है। और ग्राफिक्स कार्ड दिखाता हूँ मैं आप सबको, इधर पे सिस्टम पे ही जाना पड़ेगा। यहाँ पे तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा ग्राफिक्स कार्ड, यहाँ पे कहाँ देखते हैं ग्राफिक्स कार्ड, कहाँ देखते हैं, भूल गया, रुक जाओ। 3050 है शायद, हाँ ग्राफिक्स कार्ड 3050 है। यहाँ पे हाँ इधर देख सकते हो। अरे यार ये कौन सा दिखा रहा है, अरे रुक जाओ मैं आप सबको टास्क मैनेजर में दिखा देता हूँ ग्राफिक्स कार्ड कौन सा है। ये देख सकते हो RTX है 1650 है, ये देख सकते हो RTX 3050 है, 4GB का ग्राफिक्स कार्ड है। अभी ये सब देख सकते हो आप लोग, ये सब रन हो रहा है। और बाकी यहाँ पे RGB है, मैं आप सबको ऑन करके दिखाता हूँ RGB। इसमें FN और ये वाला की आप वाला की प्रेस करने पर ये देख सकते हो आप लोग RGB ऑन हो चुका है। बाकी आप सबको मैं गेमिंग टेस्ट दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हो हमारा GTA 5 ओपन हो रहा है अभी, अभी तो 64 FPS मिल रहा है हमको यहाँ पे लोडिंग स्क्रीन पे। चलो देखते हैं कितना टाइम लेगा ये लोड होने में। ये देखो गाइस, बिना चार्जर के हमको 45-50 FPS मिल रहा है बिना चार्जर के। अगर चार्जर कनेक्ट करेंगे तो ज़्यादा मिलेगा। आप लोग देख सकते हो पूरा फुल हाई सेटिंग्स में है, आप लोगों को दिखा देते हैं। और 1080p गेमिंग है, पूरा फुल हाई रेजोल्यूशन, आप लोग देख सकते हो सब हाई वेरी हाई का मिक्सचर है, मतलब डिफॉल्ट सेटिंग्स है।
अभी लोग यहाँ पे देख सकते हो 60, 50, 40 से वो नीचे नहीं गया FPS विदाउट चार्जर कनेक्ट करके खेलें बिना चार्जर के। और मैं आप सबको चार्जर कनेक्ट करके भी खेल के दिखाऊंगा। गाड़ी को ले लेते हैं, थोड़ा ड्राइविंग भी दिखा देते हैं आप सबको। अरे घुस जाए यार, अभी 37, अभी 37 मतलब 50 से 30 तक मिल जाएगा आपको FPS विदाउट चार्जर। अभी हम चार्जर कनेक्ट करके दिखाते हैं आप सबको। अभी CPU टेम्परेचर देख सकते हो आप लोग 63 डिग्री सेल्सियस पे है, FPS 40-45 ऐसा ही कुछ मिलेगा आप सबको। अभी देखो हमने यहाँ पे चार्जर कनेक्ट कर लिया। अभी लोग आप लोग FPS देख सकते हो 140-139 FPS जा रहा है। और CPU का टेम्परेचर अभी 85-86 में पहुंच चुका है। अभी लोग हम आपको फिर से ग्राफिक्स दिखाते हैं। देखो सेम ग्राफिक्स है, कुछ भी चेंज नहीं किया हमने। देखो सेम ग्राफिक्स, वेरी हाई का मिक्सचर है। और अभी हम फिर से आपको ड्राइविंग दिखाते हैं, गाड़ी का ड्राइविंग दिखाते हैं। जो मैं फटाक से गाड़ी मंगवा लेता हूँ। चलो आप लोगों को GTA 5 की वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, S1000 चला के दिखाते हैं आप लोग। यहाँ पे FPS देख सकते हो आप लोग, मतलब 100 से अबोव मिलेगा आप सबको FPS देख सकते हो। कभी कभार 99, 90 मतलब 100 से ऊपर ही मिलेगा FPS, ये देख सकते हो। और अगर आपको RGB का कलर चेंज करना है तो कैसे करना पड़ता है वो मैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में बोल लूँगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। ये लैपटॉप किसी ने कोई हमारे घर के सामने चोर के चला गया था, पता नहीं कौन चोर के चला गया। देख सकते हो एकदम 120-130 FPS मिलेगा, मतलब 100 से अबोव FPS मिलेगा आप सबको GTA 5 में। बाकी सब गेम तो मेरे पास नहीं है, अगर आप को चाहिए बाकी सब गेम्स का गेम प्ले तो कमेंट कर देना, हम वो भी गेम टेस्ट करेंगे Asus TUF में। तब तक के लिए बाय बाय।